सत श्री अकाल। देश विच कोविड दे केस वधी जा रहे ने, पर इलेक्शंस भी देश दियां वड्डियां स्टेटां विच आउण वालियां ने। इह दोवें इकट्ठे होके किते देश दा ज़्यादा नुकसान ना कर देण, उहदी अज मैं गलबात करन जा रहा। जे 10 जनवरी की गल करां तां देश विच 1,68,000 तो भी वध नवें कोविड दे मामले आए ने। सो 1,70,000 दे आसपास दे इस वेले मामले आ रहे ने, जिन्हां तो 4,500 दे नेड़े तेड़े कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरियंट दे ने। आपां शायद हुण तक यह मन रहे हां कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन, क्योंकि असी इहदा कंपैरिजन दूजी वेव नाल कर रहे हैं पिछली बार वाली। लेकिन फिर भी एक दिन विच 277 मौतां, जे 10 जनवरी की गल करां। एक्टिव केस इस वेले 208 दिनों विच सब तो वध ने, यानी कि दूजी वेव दे लैवल ते आपां लगभग पहुँच चुके हैं। सो ये बहुत खतरनाक गल भी है, शायद असी उन्ना डर नहीं रहे हां, सानूं डरन दी लोड़ है कि नहीं डॉक्टर दसणगे, लेकिन सावधानी वरतन की बहुत जरूरत है। वो उपर आ गए ने इलैक्शन। एक जी बहुत अच्छी चीज़ इलैक्शन कमीशन ने की है, देश की हिस्टरी पहली बार फिजिकल रैली, फिजिकल कैंपेन जोड़ा है वो बैन करता है, डिजिटल कैंपेन की मांग की है। बहुत अच्छी गल है। 15 जनवरी तो बाद दोबारा सिचुएशन रिव्यू होएगी, जिस तरह केस बढ़ रहे हैं मैं लगता है कि आ डिजिटल कैंपेन वालू रहना ही बेहतर रहेगा साढ़े सारे। लेकिन गल ये है कि 7 चरणों में होने वाली इलेक्शन जिहड़ी हुण तो 1 महीना दूर है सिर्फ, क्योंकि 10 फरवरी नू इलेक्शन शुरू हो जाएगी जदों यूपी विच होएगा, तो 14 फरवरी नू 3 स्टेट्स विच इलेक्शन होएगी जिहदे विच पंजाब भी शामिल है। पंजाब की जे गल करा, 1 जनवरी नू सिर्फ 332 नवे मामले आए सीगे, लेकिन जदों 10 जनवरी ते आने हो तां लगभग 4,000 मामले, इन्ना वड्डा राइज, 332 तो 4,000 दे लगभग मामले आ रहे ने 10 दिनों इन्ना वध गया। तो बार बार उही गल कि असी कह रहे हैं ये इन्ना शायद खतरनाक नहीं है, लेकिन इन 10 दिनों विच जिहड़े पेशेंट्स नू ऑक्सीजन सपोर्ट की लोड़ है वह 264% वध गया है। 264% इनक्रीज़ है उन्हां पेशेंट्स दे जिन्हां नू ऑक्सीजन की लोड़ पै रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसिज जे देखिए पटियाला, मोहाली, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर तो आ रहे हैं, जिहड़ियां साडियां बहुत वड्डियां सिटीज़ ने, जिहड़ियां सब तो वड्डे शहर ने जिन्हां च बहुत एक्टिविटी हुंदी रहिंदी है। सो ये एक चिंता का विषय जरूर है। जिथे कि पंजाब में तुहानूं दस रहे 4,500 दे लगभग नवे मामले हर रोज़ आ रहे, यूपी जिथे 7 चरणों इलैक्शन होनी है उत्थे 8,000 तो वध केस एक दिन च आ रहे हैं इस वेले दी जे मैं गल करा। सो इलैक्शन कमीशन नूं होर ज़्यादा सावधानी वरतन की लोड़ है। देखो जे हुणे डिजिटल भी रहिंदा है कैंपेन, लेकिन इलैक्शन वेले कहण नूं तां चाहे जिहड़े बूथ्स ने उहनां दे अंदर तुसीं कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर दो चीज़ां बड़ियां इंपोर्टेंट है। असीं ज़्यादा वोट परसेंटेज भी इंश्योर करना चाहते, ईसी का यह बहुत वड्डा एक काम हुंदा है कि वध तो वध लोग वोट पा सकन ते वोट पवे। उहदे विच कोविड कितना वड्डा रोल प्ले करेगा यह देखना पएगा, क्योंकि एक महीने में जे इस तरह केस वधदे रहे, मौतां वधदियां रहियां, तां दूजी वेव वाला हाल देश हो सकता है। तो जिहदी उम्मीद ये नहीं की जा रही, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत है, पर इहनूं दिमाग जरूर रखना होगा, क्योंकि उहदे नाल फिर वोटिंग भी घट होएगी। सो मैनूं लगता है इलैक्शन कमीशन नूं ये ख्याल रखना पएगा कि लोगों की जान तो ज़्यादा इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। फिर चाहे इलैक्शन असी पोस्टपोन भी कर दिए, चाहे इलैक्शन मुलतवी भी करनी पवे, मैनूं लगता है इस पासे वल सोचना एटलीस्ट बहुत जरूरी है। कोई शक नहीं, बहुत तैयारी होंगी है, इलैक्शन मुलतवी करना बहुत एक वड्डी चीज़ होंगी है। 31 मार्च में पंजाब की सरकार की मियाद पूरी हो जाएगी, उस तो बाद कोई सरकार नहीं होएगी, ये सारिया गल्लां बहुत ने, लेकिन इंसान की जान तो वध कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। इसलिए इसी नूं ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिवें कि मैं कह रहा सीगा, पोलिंग बूथ में तुसीं कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर लोगे, उत्थे लोगों नूं डिस्टेंस करा दोगे, लेकिन बाहर जिहड़ियां असीं लाइनां हर बार देखते हैं, खास करके यूपी वर्गी डेंसली पॉपूलेटेड स्टेट में, वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी। तो किते साडे पोलिंग बूथ कोविड हॉटस्पॉट्स ना बन जाण, इसी नूं इस गल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी ने बिल्कुल ये किया है कि असी सिचुएशन रिव्यू करते रहेंगे, क्योंकि किसी नूं नहीं पता कि ये वेव किन्नी उपर तक केसिज जाणगे ते कदों घटने शुरू हो जाएंगे। सो एक महीने का समय हजे भी है, जे केसिज घटते हैं तो फिर दोबारा रैलीज परमिट होणगियां या वोटिंग बारे भी फैसला लिया जाएगा। पर मेरा कहण दा भाव दो गल्लां ने, कि असी खुद एक तो इस सब का इस वेले ख्याल रखिए, दोबारा कोविड तो बचन की कोशिश करिए, डरन की लोड़ बिल्कुल भी नहीं, असं हम जानते हैं, पर सावधानी बरतन की बहुत जरूरत है, वैक्सीनेट होने की लड़ है, मास्क पाने की लड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की लड़ है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ईसी भी यह इशारा जरूर करना चाह रहा कि दोबारा एक बार सोच लिया जाए, क्योंकि कोई भी नहीं बच रहा है। पंजाब के मुख्य इलैक्शन कमिश्नर IAS करना राजू पॉजिटिव ने कुछ दिन पहला होए,
बीजेपी के राजनाथ सिंह कुछ दिन पहला पॉजिटिव होए ने, कई मंत्रियों के फैमिलीज़ का पता लग रहा है कि पॉजिटिव हो रहे हैं। सो हर कोई यदि चपेट में आ रहा है, इस बार तो वैक्सीनेटेड लोग भी आ रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन सू होस्पिटलाइजेशन तो कहा जा रहा है कि बचा रही है, क्योंकि एक डॉक्टर तो मैं गल कर रहा तो वह कह रहे कि 90% तो वध जे इस वे लोग हस्पतालों ने या जिन्होंने ऑक्सीजन की लड़ पै रही है, जो क्रिटिकल ने, ईवन जौत हो रही हैं वो 99 उन्होंने 99 कहा, मैनू नहीं पता आंकड़ा किन्ना सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग अनवैक्सीनेटिड ने या उन्होंने पूरी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सो ईसी भी इस गल का ध्यान रखना पेगा, जो एक महीना है वो इंश्योर यह भी किया जाए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यूपी में भी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पंजाब विच सेकंड डोज नहीं लगी है। गोवा क्योंकि पार्टी कैपिटल है, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत है, छोटी जगह है, केसेस बढ़ रहे ने, उत्थे भी वैक्सीनेशन है, सारिया चीज़ों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। मणिपुर जी चौथी स्टेट है जिते इलेक्शन होनी है, उत्थे मेडिकल फैसिलिटीज़ इन ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो इलाके की जी डेमोग्राफिक्स है, जी जोग्राफी है, वह भी ये हथ जरूर है। सो ईसी सोचना पेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ईसी ने की, जो इलेक्शन अनाउंस हुई, उन्होंने यह कहा कि देश में सब तो वध तुसी केसेस देखो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, एहोजिया स्टेट्स तो ने जिथे इलेक्शन नहीं है, लेकिन इहदा इह मतलब नहीं है कि असी लापरवाही वरतीए इन्हां स्टेट्स विच भी, क्योंकि मैं बार बार ये कहना कि मौतां घट या वध नहीं हुंदियां, मौत मौत हुंदी है, असी इंसानां नूं खो रहे हां। सो एक भी मौत जद तक हो रही है, मैनूं लगता है कोविड उन्ना ही घातक सब लई है, क्योंकि वह एक कोई भी हो सकता है। सो साडे लई भी सानूं इस वेले ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन नूं भी सोचना पएगा कि जे लोड़ पवे ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।